Good morning, students. Today we'll talk about a new topic named as teeth or tooth. अपन देखने वाले हैं टीथ की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि टीथ होता है कैसे दिखाई देते हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो है मिलकर कंसिस्ट हो रहे हैं और उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं. इवन वी गोना आल्सो टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ की जो है टाइप्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. ह्यूमन डेंटेशन किस तरीके से पाया जाता है वो भी अपन देखने वाले हैं और टीथ का जो है फॉर्मूला देखने वाला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टूथ, वो भी सारी चीज़ें अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ और टूथ, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि जो टीथ है वो तीन पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होते हैं. टॉप मोस्ट यू कैन ऑल्सो सी दैट विजिबल पार्ट इज नोन एज क्राउन. ऐसा पार्ट जो कि जो के अंदर दसा होता है दैट इज नोन एज नेक. और जस्ट उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज रूट. जो विजिबल पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज क्राउन. जस्ट उसके नीचे वाले को अपन बोलते हैं नेक और उसके नीचे वाले को अपन बोलते हैं रूट. ओके इस तरीके से तीन पार्ट से मिलकर ये कंसिस्ट होता है. बेसिकली जो रूट वाला जो रीजन होता है उसके अंदर जो है नर्व सेल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं. जो सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है उसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं. वी कैन ऑल्सो से दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द टीथ. ये जो है लिविंग पार्ट होता है टीथ का. इसके अलावा जो अपन ऊपर देख रहे हैं क्राउन, उसके अंदर क्या होता है कॉन्टिन्यूसली जो है कैल्शियम डिपॉजिट होता जाता है और कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से जो है हार्ड हो जाता है. तो अब अपन देखते हैं क्राउन को. क्राउन के अंदर जो सबसे बाहर आउटर कवरिंग पाई जाती है, क्राउन के अंदर सबसे बाहर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है, व्हाइटिश सब्सटेंस पाया जाता है. दैट व्हाइटिश सब्सटेंस इज नोन एज इनेमल. दैट व्हाइटिश सब्सटेंस इज नोन एज इनेमल. दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. अपने शरीर के अंदर जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस के अंदर आता है ये. इट इज सिक्रेटेड बाय एमिनोब्लास्ट. ये कौन से सेल से सिक्रेट होता है? ये एमिनोब्लास्ट सेल से जो है ये सिक्रेट होता है. और इसके अलावा जो है इसके जस्ट नीचे जो है एक बोनी फ्रेम पाया जाता है. दैट बोनी फ्रेम इज नोन एज डेंटाइन. इनेमल के जस्ट नीचे क्राउन के अंदर एक बोनी फ्रेम पाया जाता है. उस बोनी फ्रेम को अपन क्या बोलते हैं? डेंटाइन. दैट डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोन्टोब्लास्ट. वो डेंटाइन किसके थ्रू सीक्रेट होता है? ओडोन्टोब्लास्ट के थ्रू सीक्रेट होता है. जस्ट डेंटाइन के नीचे एक और जो है लिविंग पार्ट पाया जाता है जिसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं. उस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं पल्प कैविटी, जिसके अंदर जो है कंटिन्यूअसली ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है. न्यूट्रिशन आ रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, सारे के सारे काम किसके अंदर हो रहे हैं? पल्प कैविटी के अंदर हो रहे हैं. सो यू कैन सी दैट आउटर मोस्ट कवरिंग इज इनेमल. जस्ट इसके नीचे जो है एक ब्लू लाइनिंग दिख रही है दैट इज डेंटाइन. और जस्ट उसके नीचे जो है एक और लाइनिंग दिख रही है दैट इज पल्प कैविटी. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जिसके अंदर फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार. जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है दैट इज क्राउन. जो उसके जस्ट नीचे होता है दैट इज नेक. और उसके नीचे जो पाया जाता है दैट इज रूट. जो क्राउन पोर्शन जो होता है उसके अंदर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दैट इज इनेमल विच इज सिक्रेटेड बाय एमिनोब्लास्ट. उसके जस्ट नीचे जो पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं डेंटाइन. दैट इज सिक्रेटेड बाय ओडोन्टोब्लास्ट. और उसके जो नीचे जो एरिया पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं पल्प कैविटी. सम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग एरिया. और रूट के नाम भी बोलते हैं इसको, और रूट भी बोलते हैं. ओके दिस इज द लिविंग एरिया. व्हाई वी आर सेइंग दिस इज लिविंग एरिया? बिकॉज इट इज कंटेनिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. अब बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन डेंटेशन कि किस तरीके से जो है टीथ का अरेंजमेंट होता है, कौन से टीथ पाए जाते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं एक टर्म आ रहा है डायपायोडोंट. डायपायोडोंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग के अंदर उसके लाइफ साइकिल के अंदर जो है दो बार टीथ आते हैं. स्टार्टिंग के अंदर जो टीथ आ रहे हैं उनको तो अपन बोलते हैं मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. और जो सेकंड बार जो टीथ आते हैं उनको अपन बोलते हैं परमानेंट टीथ. इट मीन्स देयर आर टीथ आर कमिंग ट्वाइस इन द लाइफ साइकिल. दो बार टीथ आ रहे हैं इसीलिए जो है इस तरीके की डेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं? डायपायोडोंट. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर एक बार ही टीथ आते हैं लाइफ स्पान के अंदर, उसके बाद में कभी नहीं आते हैं. दीज आर नोन एज मोनोफायोडोंट. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल टाइम जो है टीथ आते हैं, टूट जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, टूट जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं. दैट इज नोन एज पॉलीफायोडोंट. ओके तो ह्यूमन बींग के अंदर कौन सा डेंटेशन पाया जा रहा है? डायपायोडोंट, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर जो टीथ आ रहे हैं उनका तो टूथ फॉर्मूला क्या है? 2102/2102. इसका मतलब टोटल कितने टीथ जो है एक बार आते हैं या फिर मिल्क टीथ नंबर के अंदर कितने होते हैं? 20. Why these are 20? आपको जो थोड़ा डाउट हो रहा होगा ये तो 10 ही दिख रहे हैं. 2
2 plus 1 is equals to 3, 3 plus 2 is equals to 5, 5 plus 5, 10. But जो है ये तो अपर जाके हैं और ये लोअर जाके हैं. These are multiplied by 2. These are multiplied by 2. इसका मतलब अब कितने टीथ हो गए? अपर जाके अंदर कितने हो गए? 10. लोअर जाके अंदर कितने हो गए? 10. इसका मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में जो फर्स्ट टाइम के अंदर जो टीथ आ रहे हैं वो नंबर के अंदर लगभग कितने होते हैं? 20. 20 टीथ आते हैं और 20 टीथ जो है फिर बाद में रिप्लेस हो जाते हैं. दीज आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ. और परमानेंट टीथ जो है उनका जो है कैन से जो अडल्ट के अंदर जो टीथ होते हैं उनका टूथ फॉर्मूला क्या होता है? 21 23 अपॉन 21 23. दीज आर मल्टीप्लाइड बाय 2. दीज आर मल्टीप्लाइड बाय 2. ये तो जो है अपर जाके हो गए और ये लोअर जाके हो गए. तो अपर जाके अंदर कितने हो गए? 16. लोअर जाके अंदर कितने हो गए? 16. इट मीन्स वी कैन से अडल्ट कंटेन 32 टीथ. एक अडल्ट के अंदर कितने टीथ आते हैं? 32 आते हैं. जिसके अंदर जो सबसे लास्ट वाले टीथ होते हैं उनके अंदर भी जो है कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं, या फिर इवन वी कैन से डेथ तक वो टीथ आते हैं, उनको अपन बोलते हैं विजडम टीथ. दीज आर नोन एज विजडम टीथ दैट वी टॉक. अब इसके बाद में अपन ने देख लिया है कि ह्यूमन के अंदर डायफायोडोंट जो है डेंटेशन पाया जा रहा है. सेकेंड थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि जो भी टीथ अपने अंदर है, दीज टीथ आर सिचुएटेड इन द जॉज. किसके अंदर फिक्स होते हैं? ये जबड़ों के अंदर फिक्स होते हैं. तो इस तरीके की डेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं? थीकोडोंट. ऐसे टीथ जो कि जबड़ों के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जॉज के अंदर इंगेज्ड होते हैं, उनको अपन बोलते हैं थीकोडोंट. अपने प्रकार अपने अंदर भी जो है टीथ जबड़ों के अंदर सिचुएटेड होते हैं. इट मीन्स वी हैव थीकोडोंट डेंटेशन. वी हैव थीकोडोंट डेंटेशन. इसके बाद में बात करते हैं थर्ड टर्म, दैट इज हेट्रोडोंट. दो वर्ड होते हैं, एक तो होमोडोंट और एक होता है हेट्रोडोंट. अपने अंदर जो है जो भी टीथ होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरे से डिफर होते हैं. स्ट्रक्चर के अंदर डिफर होने की वजह से जो है दीज आर नोन एज हेट्रोडोंट. इवन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो है टीथ जो है स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर होते हैं, दोज आर नोन एज होमोडोंट. बट वी हैव हेट्रोडोंट. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. कितने टाइप के टीथ पाए जा रहे हैं? 4 प्रकार के, जिसके अंदर जो सब फ्रंट वाले टीथ होते हैं उनको अपन बोलते हैं इंसीजर. यू कैन ऑल्सो सी दीज टीथ आर नोन एज इंसीजर. इंसीजर के जस्ट साइड में जो है नुकीले टीथ पाए जा रहे हैं, दीज आर नोन एज केनाइन. उसके जस्ट बाद में जो टीथ आ रहे हैं दीज आर प्री मोलर. और उसके जस्ट बाद में जो टीथ आ रहे हैं दीज आर मोलर. अब यहाँ पे जो है अपन को टूथ फॉर्मूला अप्लाई करना है. 21 23 बटे 21 23, 21 23 अपॉन 21 23. जिसके अंदर ये तो हो गए अपर जा के अंदर, ये हुए लोअर जा के अंदर. अब बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब अपन देखते हैं कि जो है इंसीजर नंबर के अंदर कितने हो गए? 2 प्लस 2 4 4 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8. ओके, नाउ वी कैन टॉक अबाउट कैनिन्स. सेकंड नंबर के कैनिन हो गए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4. थर्ड अपन बात करते हैं प्रीमोलर की. प्रीमोलर के अंदर अपन देखते हैं इंसीजर कैनिन प्रीमोलर एंड मोलर. प्रीमोलर के अंदर अपन देखते हैं कि जो है ऊपर 2 नीचे 2 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8. इसके बाद में हम बात करते हैं मोलर. मोलर के अंदर 3 एक साइड के, फिर दूसरे साइड के 3, फिर नीचे भी ऊपर भी 3, सॉरी 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12. कितने हुए? 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16, एंड 16 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 24, 24 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 32. इट मीन्स वी आर कंटेनिंग 32 टीथ. जिसके अंदर जो मोलर टीथ होते हैं इनके अंदर जो सबसे लास्ट वाले टीथ होते हैं वो बहुत ही लेट तक आते हैं, दैट्स व्हाई जो सबसे लास्ट वाले टीथ को जो है अपन विजडम टीथ भी बोलते हैं. इंसीजर जो होते हैं इनका फंक्शन जो होता है कटिंग और बाइटिंग. कैनिन का फंक्शन होता है टीयरिंग. और प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन होता है च्युइंग और ग्राइंडिंग.
दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर. तो इस तरीके से जो है अपने अंदर ही डेंटिशन पाया जा रहा है. डायपायोडोंट इट मींस टीथ आर कमिंग ट्वाइस. थीकोडोंट इट मींस टीथ आर सिचुएटेड इन जार्स. हेटरोडोंट मतलब टीथ आर डिफरेंट इन शेप. ओके, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टीथ, क्राउन, नेक एंड रूट. द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द क्राउन इज इनेमल, सेकेंड इज डेंटाइन एंड थर्ड इज पल्प कैविटी. इनेमल इज सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट, डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट. दिस इज द टूथ फॉर्मूला. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. थैंक्स.